तप्त मानस शांत हो जिनके गुणों के गान में। ये तो हम सबको पता ही है, अपना ये महाविद्यालय चलता है, ऐसे ही तीन महाविद्यालय और चलते हैं, एक कोटा में, एक बांसवाड़ा में और एक लड़कियों के लिए उदयपुर में, चौथा भी आरंभ हुआ है भोपाल में। लेकिन ये तीन तो यहाँ अपने राजस्थान में ही संचालित हैं, एक ही यूनिवर्सिटी से हैं, एक ही कोर्स है, सब में पूरी एक रूपता है, उसमें भी एक रूपता ही रहेगी। और हमारे इन शिविरों के माध्यम से हमने जो अक्टूबर का शिविर है वो महाविद्यालयों के लिए समर्पित कर दिया है। सभी विद्यालय के विद्यार्थी यहाँ आते हैं और उनके हिसाब से ही हम सारा पाठ्यक्रम रखते हैं। जो पढ़ाई उन्हें पढ़ाना जरूरी है और हम समझते हैं कि ये कठिन सब्जेक्ट है, हर विद्यालय में स्वतंत्र रूप से इतने अच्छे अध्यापक प्राप्त नहीं हो सकते हैं, तो हम ऐसा करें कि जो हमारे उस विषय के विशेषज्ञ हैं उन विद्वानों से उस विषय को यहाँ पढ़वाएं, जिससे तीनों चारों विद्यालयों में एक रूपता रहे और किसी भी तरह का भेदभाव समाज में नहीं रहे। हम तो यही समझते हैं कि ये सब हमारे विद्यार्थी हैं, और हम जब उनसे पूछते हैं, जब बाहर होते हैं कि तुम कौन से बरस में थे, तो वो कहते हैं दादा मैं कोटा में था, मैं कोटा से पढ़ा हूँ, मैं बांसवाड़ा से पढ़ा हूँ। मतलब एक अच्छा अच्छा वहाँ से पढ़े, एक ही बात है, यहाँ भी हमारे विद्यार्थी पढ़ाते हैं और वहाँ भी हमारे विद्यार्थी पढ़ाते हैं। अब तो हम तो पढ़ाई पढ़ाते नहीं, प्रोत्साहित नहीं करते हैं, फिर भी एक रूपता हमारी बनी रहे और हम सब विद्वानों को उनमें किसी में कोई कसर नहीं रहे और समाज को भी ये रहे कि ये विद्वान कोई कोई भी विद्यालय से आया है, ये उन्नीसा नहीं है, इक्कीसा ही है। लेकिन हमारे ये अकेले करने से क्या होता है, जब तक वो विद्यालय हमें पूरा सहयोग नहीं देंगे, वो हमारा पूरा साथ नहीं देंगे, तो हम वो काम नहीं कर सकते। लेकिन हम आपको जानकर ये प्रसन्नता होगी कि प्रेमचंद जी सामने तो ऐसा हमको बिल्कुल खुला आश्वासन दिया है कि दादा आप बिल्कुल सोचना ही नहीं, हम तो बस आपके पीछे खड़े हैं, जो भी विद्यालय के संबंध में आप डिसीजन करेंगे वो हम उसे मानेंगे। बांसवाड़ा से भी हमारा जो है ना, क्या नाम भैया प्रवीण, इसने कह दिया उनसे कि भाई हम लोग नक्की करते हैं, दादा जो नक्की करते हैं, अब आप उसमें चलने दो, आप इसमें अपना माथा मत मारो, हम इस काम को करेंगे और तुम कुछ भी करो, हम तो उसमें ही जाएंगे। पर उनने भी सच्चे दिल से इनसे कह दिया कि हाँ तुम करो। तो इस तरह इनका पूरी तरह से अपने साथ सही हो गया, सब एक है, मतलब हम एक ही हैं, हम तीन या चार या पांच नहीं हैं, जगह अलग अलग होती हैं, नहीं होती एक जगह जगह, तो वहाँ हमको करना पड़ता है। तो इस तरीके से जो अक्टूबर का शिविर आएगा उसमें सब विद्यार्थियों को जो पढ़ाया जाता है बारहमासी में, उनमें जो ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जो कठिन विषय होते हैं, जो हम समझते हैं कि वहाँ इतनी अच्छी तरह से नहीं पढ़ाए जा सकेंगे, तो उनको हम स्पेशलिस्ट विद्वानों को उसका विचार किए बिना कि ये कहाँ का है, किसका है, कैसे ग्रुप का है, ग्रुप ग्रुपबाजी जो होती हैं होती रहें, हम तो विद्वत्ता के हिसाब से डिसीजन करते हैं कि भाई नए चक्के बनाने में मान लो अभय जी अथवा हमारे संजीव गोधा ये मास्टर हैं, तो इनके द्वारा पढ़वाएं। आत्मख्याति में शांति जी मास्टर हैं, तो
आत्म शांति शांति जी से पढ़वाएं। करुणानी योग में ये प्रवीण होशियार है तो करुणानी योग प्रवीण के माध्यम से पढ़वा, मतलब हम उन सब को उन विद्वानों का पूरा पूरा लाभ दिलाना चाहते हैं, है ना। तो वो आप लोग जनता के लोग हैं तो उन्हें भी असली लाभ लेना है तो वे उस समय आए। अभी तो आ ही गए, अभी आने की मैं क्या अपील करूं, जो आ गए आ गए और जो नहीं आए भी यहाँ है नहीं मेरी अपील सुनने को, है ना। तो उसमें आपको पूरा लाभ होगा। अपन ने पहले ये निर्णय किया था कि अपना शिविर 10 दिन का होता है तो अपन एक दिन उद्घाटन में चला जाता है, एक दिन समापन में, तो अपन ऐसा नहीं करेंगे। अपन प्रवचन नहीं करेंगे, उद्घाटन भाषण नहीं करेंगे। अभी मिनिस्टर आते हैं, कोई ऐसा होता है तो थोड़ा बहुत करना पड़ता है, वो भी इसके लिए ही है, क्योंकि उनके सहयोग के बिना हमारे को जो गवर्नमेंट से सुविधाएं मिलना चाहिए वो नहीं मिल सकती हैं। और भाग्य से भारतीय जनता पार्टी का राज था, तब भी जो मिनिस्टर थे, शिक्षा मंत्री थे, वो भी इसी यूनिवर्सिटी से पढ़े थे और यहाँ जब उनको चुनाव लड़ा था ना छात्र संघ का, तो ऑफिस अपने स्मारक में ही बनाया था, बाबू भाई हाल में उन्होंने अपना ऑफिस बनाया था, हमने उनको दिया था, तब से ही उनसे संपर्क था। तो उनका भी अपन को पूरा सहयोग मिलता रहा है और अभी आए हैं तो अभी आपने देखा ही है कि ये भी शिक्षा के क्षेत्र के हैं और इनको शिक्षा के क्षेत्र में बहुत रस है और सब तरह का सहयोग देने के लिए मतलब अपन को तैयार हैं। तो अपना ये ज्ञान का यज्ञ बहुत बढ़िया तरीके से चल रहा है और मुझे पक्का भरोसा है कि 150 वर्ष तक चलेगा। पहले विकल्प आता था कि आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, अब मेरे को ऐसा कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि योग्य लोग तैयार हो गए हैं और वे पूरी तन्मयता से पूरे समर्पण के साथ जैसा अपन चाहते हैं योगदान करके इन विद्यालयों को चलाने में संलग्न है, इसलिए कोई चिंता की बात नहीं है। अब तो समाज का है कि समाज सच्चे दिल से इनका लाभ उठाए, इन्हें सहयोग करे और सब तरीके से इसमें कोई कमी नहीं है। तो कमी का कोई सवाल ही नहीं है। हमने ये संकल्प किया था जिस दिन आए थे उसी दिन से कि हम समाज से पैसा नहीं मांगेंगे, आज तक नहीं मांगा, समाज ने मांगना ही नहीं दिया हमको, उस पोजीशन में आना ही नहीं देना पड़े दिया कि हमें उनके सामने हाथ फैलाने पड़ा, हमें उससे कहना पड़े समाज से कि आप ये व्यवस्था करो बराबर, जब जितनी आवश्यकता इस ज्ञान के यज्ञ को चलाने में हुई समाज से निरंतर हमको प्राप्त सहयोग प्राप्त होता रहा है। तो ये महायज्ञ बहुत अच्छी तरह से चल रहा है, ये बात मुझे इतनी कहनी थी। अभी मैं ये प्रवचनसार शुरू करता हूँ क्योंकि इसमें ज़्यादा समय लगाकर अपने पास भी समय बहुत ज़्यादा नहीं है और मैं चाहता हूँ कि कम से कम प्रवचनसार तो पूरा हो जाए। समय सार पूरा हो गया आद्योपांत, उसका वीडियो वगैरह भी बन गया, टीवी पर भी आता है, और प्रवचनसार के 2 महाधिकार हो गए, ज्ञान तत्व प्रज्ञापन अधिकार और गे तत्व प्रज्ञापन अधिकार। अब चरणान योग सूचक चूलिका चलानी है, ये 4 दिन पहले हम चला चुके हैं, 4 दिन पहले वो खत्म हो गया था। अब बीच में फिर हम और कोई सब्जेक्ट चलाएं ये हमें ठीक नहीं लगा, तो हमने ये चरणान योग सूचक चूलिका चलाई थी, फिर साथ में ये कह दिया था कि शिविर में भी ये चलाएंगे और शुरू से ही चलाएंगे, तो थोड़ा बहुत तुम लोगों को रिपीटिशन हो तो समझ लेना तत्व ज्ञान में रिपीटिशन गुण होता है, दोष नहीं है, ऐसा जानकर उसको समझना। तो अब ये चरणान योग सूचक चूलिका के बारे में जो सामान्य बातें हैं वो, फिर उसकी आरंभ की चर्चा। एक आचार्य अमय चंद्र कहते हैं मूल जैन तत्व ज्ञान, तत्व ज्ञान ही मुख्य है, और फिर तत्व ज्ञान पूर्वक जो आचरण होता है वो आचरण
अंतरंग व बहिरंग दो प्रकार का होता है। अंतरंग वो चारित्र है, बहिरंग है वो सदाचार है। बहिरंग चारित्र कह लो उसे। इस तरह से अंतरंग और बहिरंग भेद से होता है। तो इसमें बहिरंग की चर्चा ज्यादा होगी, अंतरंग की भी होगी श्री कृष्ण जी साहब। इसलिए उन्हें इसे महाधिकार कहने में बहुत बड़ा संकोच हुआ। ज्ञान तत्व प्रज्ञापन महाधिकार और ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन महाधिकार, और फिर ये चरणानुयोग महाधिकार कह सकते थे, वो चारित्र महाधिकार कह सकते थे, जैसा कि जैसेनाचार्य ने कहा है। लेकिन उन्होंने कहा कि बाही का वर्णन ज्यादा है ना, वो चारित्र का जो ध्यान रूप चारित्र है, जो आत्मा के अनुभव रूप जो चारित्र है, जो शुद्धोपयोग रूप चारित्र है, जो शुद्ध परिणति रूप चारित्र है, उसका वर्णन की मुख्यता से होता तो हम इसे चारित्र अधिकार कहते। लेकिन इसमें तो तुम दीक्षा लेना, फिर अपने माँ बाप से ऐसा बोलना, पत्नी को ऐसा बोलना कि तुम मेरी पत्नी नहीं है, पत्नी तो नाम मात्र की है, जो मेरा राग था इसलिए कारण थी, अब वो राग टूट गया है तो तू मेरी पत्नी नहीं है, अब इसलिए मैं अपने आत्मा की शरण में जाता। ये ऐसे क्या क्या कहना, ऐसी बातों से शुरू किया। अम्बे चंद्राचार्य हैं वो कहते कि नहीं नहीं अधिकार महाधिकार तो कम से कम नहीं हो सकता। जैसेनाचार्य यद्यपि अम्बे चंद्राचार्य का बिल्कुल ऐसा अनुकरण करते हैं, सबसे पहले कहते जो अम्बे चंद्राचार्य ने अर्थ किया वो एकदम सही है, फिर उन्हें कोई बात कहनी होती है तो वो कहते हैं कि मेरे समझ में ऐसा एक अर्थ और आता है, और फिर वो अपनी बात कहते हैं। माने उन्हें पूरी तरह स्वीकार करके, स्वीकार करके का मतलब है वे अच्छी तरह देख लिया ना कि क्या कह रहे हैं अम्बे चंद्राचार्य। हम कहें कि हम अम्बे चंद्राचार्य के बड़े भगत हैं तो नहीं कह सकते, क्यों, हमने जैसेनाचार्य जैसा देख के थोड़ी कहा, हमने तो सुन के कहा है और उनने देख के कहा। लेकिन अधिकारों के नामकरण में वे नहीं हो सके, और उन्होंने पहले अधिकार को ज्ञानाधिकार, दूसरे अधिकार को सम्यक दर्शनाधिकार, और तीसरे अधिकार को चारित्राधिकार कहा। अब अपने यहां तो सम्यक दर्शन पहले होता है, सम्यक ज्ञान बाद में होता है, सम्यक चारित्र बाद में होता है। अलग उनने की पहले अधिकार को ज्ञान अधिकार का, क्योंकि उसमें सर्वज्ञता का वर्णन था, सम्मत दर्शन की तो बात ही नहीं थी। अब जब पहले को ज्ञान अधिकार कह दिया तो दूसरा, दूसरे में तत्व ज्ञान का वर्णन है। पहले अधिकार में चार चीजों का वर्णन है, शुद्धोपयोग, केवल ज्ञान, अतीन्द्रिय अनंत सुख और सामान्य सुख, शुभोपयोग, ये चार चीजों का वर्णन ज्ञान तत्व प्रज्ञापन अधिकार में है। और फिर तीन चीजों का वर्णन ज्ञेय तत्व में है, सामान्य से द्रव्य का स्वरूप, विशेष से द्रव्य का स्वरूप, और परस्पर में ज्ञेय ज्ञान विभागा अधिकार, उन दोनों में भेद विज्ञान। ये तीन महाधिकारों में, जैसे सात अधिकारों में, दो महाधिकारों में सात अधिकार उन्होंने दिए, जैन तत्व ज्ञान को उन्होंने इसमें स्पष्ट किया। अब ये कहते हैं कि अब मैं चरणानुयोग की बात करता हूं। देखो आपकी किताब निकाल, शास्त्र जो है हाथ में है ना, इसका पहला वाक्य टीका का लिखते हैं कि अथ परेशान चरणानुयोग सूचिका चूलिका है, इसमें इसमें लिखे देखो ऊपर सबसे देखो कि ये बात मैं दूसरों के लिए कह रहा हूं, पहले नहीं कहा कि मैं दूसरों के लिए कह रहा हूं। इसका मतलब पहला और दूसरा अधिकार उन्होंने अपने लिए लिखा था। फिर यही नहीं,
फिर एक पहली गाथा शुरू करते हैं ना, तो उसके उत्थान का हमें फिर लिखते हैं, इति चरणा चरणे परान प्रयोजयति, के चरण माने चारित्र के आचरण में दूसरों को लगाता हूं, परान प्रयोजयति में प्रेरित करता हूं दूसरों के लिए। तो ये परान परान क्यों कह रहे हैं बार बार, परेशान क्यों कह रहे हैं? तो तीसरी जगह भी है, कौन सी गाथा में है? तेरहवीं में, देखो निकाली थी ना अपन ने, मैं सुनता नहीं हूं भाई, क्यों है तेरहवीं, तेरहवा कलश, फिर देख लेना भैया उसमें, वहां पर फिर लिखा पड़ता है दूसरों के लिए ये बात मैं करता हूं, ख्याल में आई ना? तो इसलिए दूसरों के लिए कर रहे तो वे चरणानुयोग सूचक चूलिका कर रहे। चूलिका क्या होता है जानते हैं? चूलिका क्या होती है? जिसे अपन परिशिष्ट कहते हैं आज की भाषा में, उक्तम अनुक्तम उक्तानुक्तम यत कथते थे चूलिका, जिसमें कही हुई बात, नहीं कही हुई बात और कुछ कही कुछ नहीं कही, ये सब बातें कहें उसे परिशिष्ट कहते हैं, चूलिका कहते हैं। ऐसा होता है कि जब अपन कोई चीज लिखने बैठते हैं ना तो सब बैलेंस बना करके चलते हैं ना, लेकिन एक चीज के बारे में हमें बहुत विस्तार से समझाना है और बहुत बातें हैं। जैसे मैंने तीर्थंकर भगवान महावीर की किताब लिखी, वो सर्वोदय तीर्थ है ना, 200 पेज की किताब कभी महावीर भगवान के निर्माण वर्ष में लिखी थी, वो आप लोगों के पास होगी, पढ़ी होगी आपने, तो उसमें वर्णन किया तो पांच समझ लो पापों का आगे पांच महाव्रतों का अणुव्रतों का वर्णन करना था, अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। अब अहिंसा पर बहुत लिखना बोलना था, बहुत लंबा था, और सत्य पे चार लेने में ही निपटाना था, इतनी बड़ी किताब बन नहीं सकती थी, तो अहिंसा को भी हमने एक पेज में ही निपटा दिया, और फिर सत्य को भी एक पेज में, आचौर ब्रह्मचारी वगैरह को भी एक एक पेज में निपटा के आगे बढ़ गए। लेकिन वो अहिंसा पर वो मन में रह गई थी, तो एक परिशिष्ट के रूप में फिर अहिंसा पर 15-20 पेज अलग लिखे, समझ जाए, उसे हम चूल का कह सकते हैं। उसमें जो बात पहले कह रही थी वो भी आई, जो नहीं कही वो भी आई, और कुछ कही कुछ नहीं कही सब आती है उसमें। ऐसा प्रतिबंध नहीं होता है कि क्या कहो क्या नहीं कहो, हमें जो कहना है सो सब कह रहे, ख्याल में है ना? तो उन्हें चूलिका कहते हैं। लेकिन जैसे ना चारित्र महाधिकार कहते हैं, तो एक तो व्यवहार की मुख्यता ज्यादा है इसलिए वो उसे चूलिका कहते हैं, लेकिन वे निभा नहीं पाए, घबराना नहीं, क्योंकि महाधिकारों में उनने अधिकारों में बांटे थे अध्याय, ख्याल में आई बात क्या? नहीं, चार महाधिकार, पहले महाधिकार में चार अधिकार, क्यों? फिर दूसरे में तीन अधिकार, तो चरणानि योग सूचक चूलिका, तो इसका मूल नाम तो रखा चूलिका, और फिर लिखा क्या है, कौन सा अधिकार? आचरण प्रज्ञापन अधिकार, मोक्ष मार्ग प्रज्ञापन अधिकार, पंचरत्न प्रज्ञापन अधिकार, एक और है बीच में, क्या सिद्धोपयोग, शुभोपयोग अधिकार। तो अभी जब महाधिकार नहीं लिखते हो तो अधिकार क्या है? अधिकार तो महाधिकार के अंतर्गत होते हैं, है? और चरणानुयोग सूचक चूलिका है तो चूलिका में चूलिकाएं ही लिखनी थी ना, क्यों? क्योंकि उनको अधिकार नाम दिया है। मैं ये कहना चाहता हूं कि ये विषय भी जो है वो इतना अधिक महत्वपूर्ण है, क्या, कि उसको उसमें भी कम महिमा की बात नहीं है, बहुत आवश्यक चीज है जो हमारे समझने लायक है, समझिए।
मैं विद्यार्थियों को तो 4 दिन में 5 दिन में इन प्रकरणों को बहुत विस्तार से समझा चुका हूँ। आपको सिर्फ संक्षेप में बता रहा हूँ और फिर मैं आगे गाथाओं में चलूंगा। देखो पहले ही जो उन्होंने मंगलाचरण जैसा छंद लिखा है तो द्रव्यस्य शुद्ध बोलो पढ़ो भाई। द्रव्य सिद्धि से चरण और वे कहते हैं द्रव्य से सिद्धौ चरण से सिद्धि, द्रव्य की सिद्धि में चरण की सिद्धि है और चरण की सिद्धि में द्रव्य की सिद्धि है। पहली पंक्ति में ये बात कही कि चरण की सिद्धि में द्रव्य की सिद्धि, द्रव्य की सिद्धि। वो जो प्रशिक्षण शिविर में मैं एक व्याख्यान देता हूँ ना कि जैन दर्शन क्या है, तो कलात्मक विज्ञान है, वैज्ञानिक कला है, जैन दर्शन का सम्य दर्शन और सम्य ज्ञान विज्ञान है और चारित्र कला है, तो वो ही बात है इसमें। वो ये कह रहे हैं कि द्रव्यस्य सिद्धि माने तत्व ज्ञान जो हमने बताया है, द्रव्य की सिद्धि की है ना 2 अधिकारों में, कौन कौन से में, ज्ञान तत्व प्रज्ञापन में और गेय तत्व प्रज्ञापन में, तो वो सिद्धि हो जाने पर फिर चारित्र होता है। और कहते चारित्र नहीं हो तो द्रव्य की सिद्धि का क्या करोगे। तो ये कहना चाहते हैं कि तुम ये समझो कि भाई क्या है, आचरण पालना है, 4 हाथ जमीन देख के चलना है, जो ईरिया समिति है, हित में प्रिय वचन बोलना है, ये भाषा समिति है, और फिर भोजन भी बहुत शुद्ध करना है, जो अभी सर्टिफिकेट दे गए ना मिनिस्टर साहब जैनियों की महिलाओं को तो वो आचरण करना है उनको, वो पालना है। तो वो ये कहते हैं कि ये सब हो जाएंगे हम चारित्र के धनी, और फटाफट अभी ये खूब शोध का खाती हूँ और ऐसे नहीं खाती हूँ कि जिनकी व्यवस्था में करने में अपन बहुत परेशान हो जाए, माने में बहुत बड़ी धर्मात्मा है। तो अभी महाराज किसी के पास पहुंच जाए तो फटाफट वे दीक्षा दे देंगे, यही योग्यता है। ये कोई उनसे पूछने वाला नहीं कि तुमने ज्ञान तत्व प्रज्ञापन अधिकार और गेय तत्व प्रज्ञापन अधिकार पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है और उसमें क्या लिखा है, वो कोई नहीं पूछने वाला है। जैसे मैं उदाहरण देता हूँ कि है क्या डॉक्टरी मास्टरी पढ़ने में 5-5 साल 10-10 साल बर्बाद करते हैं। मैं आपको 2 मिनट में डॉक्टर बनाता हूँ, बनना है। बस 3 दवाइयाँ होती हैं, एक एंटीबायोटिक्स, एक विटामिन बी कम्प्लेक्स और एक दर्द की दवा पेन किलर। 3 दवाइयाँ रख लो क्या वैद्य जी, जो भी आए एक एंटीबायोटिक्स दे दो, कुछ भी होगा इन्फेक्शन वक्शन तो निकल जाएगा है? कमजोरी लगती होगी तो एक भी कम्प्लेक्स दे दो और कह दो कि ये दर्द की दवा है, पेन किलर है, ज़्यादा दर्द हो तो खा लेना नहीं तो नहीं खाना, ये ऑप्शनल है। 90% मरीज निपट जाएंगे, 10% बचेंगे तो वे दूसरे डॉक्टर के पास जाएंगे। क्या जरूरत है पढ़ने मरने की। ऐसे कुछ लोग हैं, ऐसे लोग जिन्हें झोला छाप डॉक्टर कहते हैं, वे सारे देश में फैले हुए हैं। मैं कईयों के तो नाम जानता हूं, उनके पास कोई डिग्री नहीं है और उनकी इतनी चलती है कि अच्छे अच्छे डॉक्टर बैठे रहते हैं उनमें, आप समझे ना।
और दूसरे वो हैं कौन से लोग कि पांच साल पढ़ा बच्चा मेडिकल कॉलेज में भर्ती नहीं होता था तो बाप ने घूस दे के भर्ती कराया डोनेशन के नाम पर। फिर बेटे ने भी कोई कसर नहीं, पांच साल की पढ़ाई 10 साल में पूरी करी, डबल पक्की पक्की कर कर। क्यों सुने, क्षमता तो थी नहीं, घूस दे करके भर्ती हुए थे, योग्यता से तो गए नहीं थे। और बाप ने फिर जब डॉक्टर बन के आया तो कपड़े की दुकान पर बैठा दिया। मैं कैसे डॉक्टरी क्यों नहीं करने दी, बोले क्या करें, जो तनख्वाह मिलती है उतनी तो उससे दूनी तो मैं मुनीम को देता हूं, इसे नौकरी करा के क्या करूं। तो दो हो गए, दो तरह के, कौन कि वे कच्चे पक्के डॉक्टर जिन्हें आता कुछ नहीं है, आप समझे ना, उन्होंने डॉक्टरी पढ़ ली 10-10 साल तक। तो मैं जानते मेरे सेठ जी तुमने कितना बड़ा पाप किया मालूम, क्या क्या पाप किया, अपने बेटे को पढ़ाया लिखाया, अपने बेटे को धंधे से लगाया, इसमें पाप क्या किया महेंद्र कुमार जी कि किया। एक विद्यार्थी अच्छा होशियार विद्यार्थी वो रह गया था क्योंकि तुम्हारे बेटे को घुसने घुसा दिया था, तो एक सीट कम हो गई ना, तो उसका एक विद्यार्थी का डॉक्टर नहीं बन पाया जो बन सकता था, एक पाप। फिर उसने 10 साल में पूरा किया तो वो 10 साल तक सीट घेरे रहा, तो दूसरा एक डॉक्टर बन के और निकल जाता तो दो डॉक्टर नहीं बन पाए, दूसरा पाप। और उसके जिंदगी के क्रीम 10 साल उसमें बर्बाद कर दिए, और कपड़े की दुकान में बैठा दिया। कपड़े की दुकान में 10 साल पहले बैठा देता तो आज तक तो तुम्हारे कान काटने लगता वो, अब वो अभी से जीरो शुरू करे, है ना, तो उसके 10 साल बर्बाद करेगा नहीं, ये तीसरा पाप। तो क्या होना चाहिए कि पूरा विधिवत पढ़ के फिर उसे जीवन भर डॉक्टरी करना चाहिए। ऐसे ही कुछ लोग वो हैं कि जो बिना तत्व ज्ञान का निर्णय किए सम्मा दर्शन ज्ञान के बिना ही चार तल ले लेते हैं, है क्या उसमें, बस चार हाथ जमीन देख के चलना है, हितमित प्रिय बोलना है, ऐसा समिति लेटरिन बाथरूम भी जाना है तो देख करके करना है, क्यों क्या है, किसी कमंडल उठाना रखना है तो देख के उठाना रखना, इसमें है क्या, कर लेंगे, नहीं कर पाएंगे हम, इसमें पढ़ने की क्या जरूरत है, एक दिन में पढ़ा दिया हो गया काम। ऐसा कहने वाले कि नहीं, सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान के बिना चारित्र नहीं होता, ये है इसका नाम है दृढ़स्य सिद्धौ चरणस्य सिद्धि। माने तुम तत्व ज्ञान में चतुर हो तो तुम्हारे तुम चारित्र लेने के हकदार हो, द्रव्य की सिद्धि में चरण की सिद्धि होती है, और तुमने द्रव्य की सिद्धि कर ली, तत्व ज्ञान कर लिया तो अब जीवन में अपनाओ तो चरण की सिद्धि में द्रव्य की उपयोगिता सिद्ध होती है। चरण से सिद्धौ द्रव्य से सिद्धि, द्रव्य से सिद्धौ चरण से सिद्धि, कुछ गुरुदेव श्री का पढ़ लेना। भाग्य की बात कि जब मैंने ये गाथा यहाँ शुरू की तो सुबह 5 बजे गुरुदेव श्री का प्रवचन चल आता है हमारे यहाँ पर, तो उसमें यही गाथा गुरुदेव ने शुरू की, बिल्कुल यही द्रव्य से सिद्धौ चरण से सिद्धि मैंने शुरू करी और गुरुदेव ने करी, तो रोजीना 1 घंटा मुझे वो सुनने को मिल गया। फिर गुरुदेव के वो जो प्रवचन है वो भी पढ़े। फिर ये सोनगढ़ से एक मेरे मित्र ने मेरे पास कुछ कागज भेजे, अभी रखे हैं मेरी टेबल पे ही रखे हैं, तो उनमें इन्हीं गाथाओं पे प्रवचन थे, तो उसने भी ये भेजे मेरे लिए, तो मैंने वे भी पढ़े। तो इतना मैंने गुरुदेव को पढ़ लिया इसको सुनाने में, उसका सार मैं आपको बता रहा हूं। उनने तो ऐसा कहा कि चरण से सिद्धौ दिव्य से सिद्धि, कि यदि तुम शुद्ध खान पान नहीं रखोगे, सदाचार जीवन में नहीं लाओगे, हिंसक आचरण रखोगे, आलू जमी के अंदर खाओगे, रात्रि में भोजन करोगे,
तो तुम्हें तत्व ज्ञान समझ में नहीं आएगा, और तत्व ज्ञान नहीं समझोगे तो जीवन में चरित्र नहीं आएगा। यही बात समझाई गुरुदेव ने बहुत क्लियर शब्दों में। क्या अभी ये कह रहे, इन्होंने अभी तक कुछ नहीं कहा था, 200 गाथाएं निकल गई ज्ञान तत्व प्रज्ञापन और गृह तत्व प्रज्ञापन में। अब 201वीं गाथा में एक क्या कहते हैं, पढ़ो भाई 201वीं गाथा, ये एक मत पढ़ना, 201 पढ़ना, एक बताऊंगा एक क्या है अभी। एवं पणमय सिद्धे जिनवर वसे पुणो पुणो समणे परिवज्जदु सामन्नम जदिच्छदि दुःख परि मोक्षम। हे भव्य जन यदि भव दुःखों से मुक्त होना चाहते जद सामान्यम जद इच्छति दुख परिमोक्षम। यदि तुम दुखों से छूटना चाहते हो तो सामान्यम परिवज्जदु मुनिपने को धारण करो, है ना, ये आदेश दे रहे हैं। कहीं नहीं कहा कि तुम ऐसा करो। अभी तक क्या बात करते थे, ऐसा है ऐसा है, केवल ज्ञान में सारा लोक का लोग जानने में आता है, यदि अनुत्पन्न पर्याय नष्ट पर्याय यदि केवल ज्ञान में नहीं झलकें तो उस ज्ञान को दिव्य कौन कहेगा, ऐसी बातें करते थे। क्या है ये बताते थे, करो वाली बात नहीं करते थे। अब पहली गाथा करो से आ गई, पर यदि सामान्यम यदि इच्छति दुख परिमोक्षम, यदि दुख से छूटना चाहते हो तो श्रामण्य को धारण करो, माने मुनिपना धारण करो। बहुत से लोग हमारे मोक्षु भाई ऐसा कहते हुए मिल जाएंगे आपसी चर्चा में कि जमाना बहुत खोटा है, अभी अभी कोई मुनि मुनि मत बन जाना, कोई व्रत प्रतिज्ञा मत ले लेना, है नहीं तो बहुत पछताओगे, कोई नहीं है, सब भ्रष्ट हैं, ऐसे हैं वैसे हैं दुनिया भर की। अब जमाने में हो ही नहीं सकता, अनुद्दिष्ट आहार मिल ही नहीं सकता, तो नहीं मिलेगा तो फिर उद्दिष्ट आहार लेके पड़ोगे तो सच्चे हो ही नहीं सकते हो, इसलिए बिल्कुल दूर रहना। अरे उसे तो उनसे तो दूर रहना ही, लेकिन उसको धारण करने से भी दूर रहना है? उनसे मैं ये कहना चाहता हूँ कि तुम अमर चंद के भगत हो ना, अमर चंद के आधार पर ये बात कह रहे हो ना, वे तो कह रहे हैं कि सामान्य बना धारण करो। कुंद कुंद कह रहे हैं पर्वत यदि सामान्यम श्रवण बना को धारण करो, तो तुम कहते कि नहीं है जमाना खोटा है, उन्हें नहीं मालूम था। ये पंचम काल के आचार्य पंचम काल के शिष्यों से कह रहे हैं, चौथे काल वालों को थोड़ी कह रहे, ये चौथे काल की बातें हैं, ये चौथे काल की बातें हैं। ये सारे आचार्य पंचम काल में हुए, क्यों प्रेमचंद जी, तो उन्होंने पंचम काल के जीवों के लिए लिखा ना, इसलिए ये दिमाग में से निकाल दो कि ये इस काल में नहीं होता। शास्त्र में लिखा है कि पंचम काल के अंत तक भावलिंगी संत आर्यका श्रावक श्राविका। एक सच्ची घटना मैं सुनाता हूँ, भोपाल से मुझे भगवान महावीर जयंती पर निमंत्रण आया कि पब्लिक मीटिंग में भाषण होना है तो आपको आना है, तो मैं कलकत्ते में था और वहाँ से इतनी आसानी से पहुँच नहीं सकता था, तो मैंने कहा महाराज कौन से हैं, तो उन्होंने कहा फला महाराज हैं, तो मैंने कहा पहले उनसे पूछो कि हम डॉक्टर भारल को बुला रहे हैं, बुलाएं कि नहीं बुलाएं, यदि बेग कहें तो मैं आऊँगा, नहीं आपके कहने से नहीं आऊँगा, क्यों वहाँ झगड़ा पड़े, न
बेकार में हुए, तुम भाषण नहीं करा पाओ शिखर चंद जी। तो उनने बताया कि फलाने में जंगल वाले बाबा हैं। अब आप समझ गए होंगे हैं। तो उनने पूछा तो उनने कहा, उनने बहुत खुशी खुशी स्वीकृति दी, बहुत मार्मिक बात कह रहा हूँ, टीवी पे जाएगा, उन तक भी पहुँचेगा, मैं जानता हूँ, चिंता नहीं करना, बिल्कुल सच्ची घटना है। उनने खुशी खुशी कहा आ जाओ, तो मैं चला गया कहीं से दौड़ दौड़ के, वहाँ से कलकत्ता से दिल्ली आया, दिल्ली से भोपाल, ऐसा पहले सीधी डायरेक्ट फ्लाइट नहीं थी, ऐसा मैं पहुँच गया। तो महाराज ने खबर भेजी कि प्रवचन की सभा में जाने के पहले मेरे से मिल के जाए, और मैं भी जब तक नहीं जाऊँगा मैं भी अपने कमरे में बैठूँगा, तो आए तो पहले मेरे पास लाना पंडित जी को, फिर हम दोनों साथ में जाएंगे सब। मैं कहा ठीक है, मैं गया, फटाफट लोगों को भगाया उनने, और मेरे से बोले कि तुम ये मानते हो कि पंचम काल के अंत तक मुनिराज होंगे, और अभी इस पंचम काल में मुनिराज हो सकते हैं सच्चे। मैं कहा हाँ मानते हैं, शास्त्र की बात कौन नहीं मानेगा, शास्त्र में लिखा है कि पंचम काल तक मुनिराज होते हैं, इसे ये थोड़ी सिद्ध होता है कि जो हैं वे सच्चे मुनिराज हैं, लेकिन पंचम काल के अंत तक मुनिराज होंगे ये बात सच्ची है और मैं ये मानता हूँ। तो उन्हें बहुत खुशी हुई, फिर बोले कि तुम भरी सभा में कह सकते हो ये बात। उन्हें कहा इस सभा में नहीं कहेगा, यहाँ मेरे से अकेले में कह रहा है। अरे मैंने कहा बहुत खुशी खुशी, इसमें क्या बात है, शास्त्र की बात है, मैं क्यों नहीं कह सकता। बोले चलो, फिर हम दोनों जने आए स्टेज पर बैठे। महाराज ने मेरा अच्छा परिचय दिया, फिर कहा पंडित जी का प्रवचन होगा। मैंने बोला मैंने यहीं से शुरू किया, पदभ्यति सामान्यम यदि इच्छसि पद्म मोक्षम। शास्त्रों में क्लियर शब्दों में लिखा है कि पंचम काल तक मुनिराज होंगे, सावक साहब का इसमें क्या है, होंगे सत्य बात है। टोडरमल जी ने लिखा है कि यदि आपको नहीं दिखते हैं तो दिव्य क्षेत्र काल बहुत बड़ा है, कहीं होंगे, किस पर्वत की गुफा में कहाँ बैठे होंगे तुम्हें क्या पता, ख्याल नहीं ना। तो वो तो महाराज तो गदगद हो गए, वो सारी जनता गदगद हो गई, फिर मेरा बढ़िया व्याख्यान हुआ और महाराज सब हुआ, बहुत अच्छा हुआ। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ये छल से नहीं कहा मैंने, ना उनसे, ना आपसे कह रहा हूँ, ये तो आचार्य की कुंद और अमृतचंद दोनों ही है ना, पदभ्यति सामान्यम, ये तो कुंद की गाथा है, और नीचे हिंदी में लिखी हुई है, ये संस्कृत में लिखी हुई है, वो टीका में अमृतचंद की है, और फिर मैंने पद्यानुवाद में लिखी है, हैं क्या लिखी है पद्यानुवाद, हे भव्य जन यदि भव दुखों से मुक्त होना चाहते, परमेश्वरियों को नमन कर श्रावण्य को धारण कर। तो उनने यहां से शुरू की है ये बात, और फिर कैसे धारण करो वो सब विधि बताई। फिर किसी ने कहा महाराज आप तो कह रहे श्रावण्य को धारण करो, हमें तो बहुत कठिन लगता है, कैसे करेंगे कैसे चलाएंगे, कि पहले तुम पहला वो दूसरा अध्याय पढ़ के आओ, उसमें ऐसे क्लियर लिखा है कि तत्व ज्ञान को समझ के आओ, अध्यायों के नाम से लिखा है, इन दो अध्यायों को पढ़ के आओ और फिर तुम मुनि हो सकते हो। मैंने सम्मध ज्ञान प्राप्त कर लू, सम्यक दर्शन ज्ञान पूर्वक ऐसा लिखा, कि फिर भी बहुत कठिन है, हम पे तो नहीं चलेगा। तो एक शब्द एक बात कैसा लिखा अमृतचंद्र ने, जिस पर कांजी स्वामी उछल गए, उछल पड़े थे। क्या लिखा कि मोक्ष मार्ग के प्रणेता हम खड़े हैं ना, कि मोक्ष मार्ग के यथानुभूत प्रणेता, अनुभवी प्रणेत विद्वान, मोक्ष मार्ग के अनुभव यथानुभूत लिखा ना, यथानुभूत प्रणेता हम खड़े हैं ना, क्यों घबराते हो,
स्वामी जी लिखते हैं कि मैं तो देख के दंग रह गया, क्या कह रहे हैं अमृतचंद, हमारे पीछे अमृतचंद खड़े हैं, मुझे तो पता ही नहीं था, अमृतचंद जैसे मेरे से ही कह रहे हैं। वो कहते हैं कि घबराते क्यों, हम खड़े हैं मैं तुम्हारे साथ, इतना अभिमानी यथानुभूत मोक्ष मार्ग के प्रणेता, अरंत भगवान नहीं, कुंद कुंद नहीं, ये अमृतचंद कहते हम प्रणेता हैं, क्योंकि अभी यार खड़े हैं बताना है तो अनंत को कहें, महावीर को कहें तो कैसे कहें, अभी वे तो चले गए मोक्ष में, खड़े तो हम हैं ना, कुंद कुंद तो चले गए क्यों। अरे वो कहते हैं स्वामी जी कि आत्मविश्वास के साथ, और उनको बहुत वो अंदर से वो देने के लिए, शक्ति देने के लिए, उनको सामर्थ्य बताने के लिए वो एक कहते हैं, देखो ये पंक्ति है संस्कृत में, यथान भूतस्य तत्प्रतिपत्ति वर्तमना प्रणेतारहु वयम एमे तिष्ठामा, क्या लिखा, उस रावण को अंगीकार करने का यथान भूत जो मार्ग है उसके प्रणेता हम यह यहाँ खड़े हैं, लिखा है ना मिला, क्या वो नहीं बता पाएगा, वहां से दिखाया मैंने कुछ दिखाएगा नहीं, आ गया प्रणेता हम खड़े हैं, आ गया, यानी वो एक कह रहे हैं कि तुम श्रावण को धारण करो और तुम्हारा मार्गदर्शन करने के लिए हम खड़े हैं, हम तुम्हें बताएंगे कैसे चला जाता, कैसे किया जाता, कैसे रह जाता, हो गए सब हो गए, क्योंकि कैसे ये बताएंगे, अब हम हो जाएंगे तो हो जाएंगे, फिर आदिनाथ के साथ जैसे हो गए थे 4000 राजाओं की हालत, वैसी तो नहीं हो जाएगी हमारी, नहीं वैसी नहीं होगी, क्योंकि वे आचार्य नहीं थे, कौन, ऋषभ देव, और हम आचार्य हैं, घबराना नहीं, क्योंकि तीर्थंकर आचार्य नहीं बनते हैं, ये तो सीधे साधु बनते हैं, और साधु से अरहंत बनते हैं, और अरहंत से सिद्ध बनते हैं, अब भी उनने मौन ले लिया, उनने तो कही नहीं थी कि तुम हमारे संग दीक्षित हो जाओ, यहां तो ये कह रहे हैं कि हम खड़े हैं, माने अपने योग्य गुरु हों, समझदार विद्वान सच्चे हों, तो उनके मार्गदर्शन में मोक्ष मार्ग के प्रणेता हम खड़े हैं ना, सत्यचूड़ामणि तुमने पढ़ी है, बादीप सिंह सूरि की, बादीप सिंह सूरि एक आचार्य हुए हैं, वे उनका नाम नहीं था ये, उनका नाम था अजित सेन, क्या नाम था, और ये उनकी उपाधि थी, बादीप सिंह सूरि उपाधि थी, ये क्या होती है, हमारे गुरुजी को भी मिली थी ये उपाधि, और गुरुजी के गुरुजी को भी मिली थी, मक्खनलाल जी को बादीप सिंह सूरि बादीप सिंह कहते थे, और गोपालदास बरिया को बादी गज केसरी, नाम सुने हो तो, सुने कभी प्रदीप जी, नहीं सुने, गोपालदास बरैया के नाम पे लगाते थे बादी गज केसरी, और पंडित मक्खनलाल जी जो थे उनके शिष्य और हमारे गुरु, तो वे कहते बादीभ केसरी, के क्या अर्थ है इसका, इभ माने हाथी होता है, गज माने भी हाथी होता है, तो बादी रूपी हाथी के लिए जो सिंह के समान है, समझे ना, बादीभ केसरी, समझे, बादी रूपी इभ माने हाथी के लिए जो केसरी माने सिंह के समान है, ऐसे वो आचार्य थे, कौन, अजित सेन, उनने 2 किताबें लिखी, एक पहली क्लास में पढ़ाई जाती है, एक एमए में पढ़ाई जाती है, क्या कह रहे, 2 किताबें लिखी और एक ही कहानी दोनों किताबों में, एक कहानी, समझना क्या है, वो हमारा अच्युत कहाँ है ये बैठा है, एक ही कहानी, क्या, जीवनधर की, जीवनधर स्वामी की कहानी है, जब हम मुनेना विद्यालय में भर्ती हुए तो पहले दिन हमें छत्रपूर्णामणि पढ़ाई गई,
समझे आप समझे पहली क्लास का मतलब समझ गए फर्स्ट डे। फिर जब हम निकले तो अंतिम साल में गद्य चिंतामणि पढ़ाई गई। शास्त्री फाइनल हो गए तब गद्य चिंतामणि पढ़ाई गई। क्या है एक कहानी श्री जीवंदर स्वामी की, ये इतनी सरल है। कौन सत्यचूड़ामणि के पहली साल पढ़ा सकते हैं, और वो इतनी कठिन है कादंबरी जैसी है, वो तीन तीन पेज में एक वाक्य खत्म होता है, गद्य में लिखी है। अच्छे अच्छे विद्वान पढ़ा नहीं सकते उसे, एक लेखक माने उनके सरल से सरल और कठिन से कठिन लिख सकते थे वो, इसलिए वाजिब गज केसरी थे। अब उनने लिखा है एक क्या, मुग्धेषु अति विदग्धानां युक्तम ही आत्म कीर्तनम। क्या कह रहे हैं वो, छत्रचूड़ामणि की विशेषता क्या है कि वो कहानी चलती है तो आधी लेन में तो कहानी एक श्लोक की, और आधी लेन में कोई सूक्ति, कोई नई बात कही है। कोई सूक्ति तो समझते हो ना, कोई सूक्ति, ऐसे पूरी सूक्तियां भरी पड़ी हैं उसमें। ये सूक्ति है कौन सी, मुग्धेषु अति विदग्धानां युक्तम ही आत्म कीर्तनम। क्या अर्थ है इसका, मुग्धेषु माने जो ना समझ लोग हैं, उनमें जो अत्यंत चतुर लोग हैं उनका अपनी प्रशंसा करना योग्य है। देखो देखो सुनो, मुग्धेषु अति विदग्धानां, मैं मूर्खों में नहीं कहना चाहता, आप समझिए ना समझो में वो जो अत्यंत अधिक समझदार हैं, अति विदग्धानां इक्तम ही आत्म कीर्तनम, अपनी प्रशंसा करना योग्य है। कैसी बात करते हो, हम अपनी प्रशंसा करें मुंह से अच्छी लगती है क्या, अच्छी लगती है। कौन कहते हैं, बादीप सिंह सूरी कहते हैं। प्रकरण क्या चल रहा है कि जीवंदर जी स्वामी जी थे, उनके पिताजी थे सत्येंद्र, उनके पिताजी को मारकर उनके मिनिस्टर ने राज्य हड़प लिया था और राजा बन गया था काष्ठांगा, और उनकी पत्नी गर्भवती थी, तो इनने देखा कि इसने राज हड़प लिया मेरा और ये राजा बन गया है, तुझे मेरे बच्चे को भी मार डालेगा मुझे मारने के साथ। तो उनने एक यंत्र बनाया और एक अपने उड़न खटोला बनाया, समझ लो हेलीकॉप्टर, और उसमें अपनी पत्नी को बैठा के और छोड़ दिया। तो वो जाकर 2-4 किलोमीटर दूर जंगल में जाकर के उतर गया। वहां पहुंच गई उनकी पत्नी गर्भ में श्रीमंदर स्वामी, और फिर वहां कोई मिल गया और फिर वो अपने घर ले गया। एक सेठ मिल गया था, वो सेठ अपने घर ले गया और उसने पाला, वहीं पैदा हुए जीवंदर। वो 16 वर्ष की उम्र तक भी पले बढ़े। अब 16 वर्ष के हो गए तो उनकी माँ ने कहा कि बेटा तेरे बाप को साथ में ऐसा व्यवहार किया, जो अभी राजा है ना ये काष्ठांगा, ये तेरे बाप का मंत्री था, तू इससे बदला लेना। मैं इसलिए जिंदा हूं कि एक दिन मेरा बेटा होगा तो वो इससे बदला देगा। मैंने कहा लूंगा बदला। और उसके गुरुजी बोले कि बेटा अभी तू किसी से लड़ेगा नहीं, जब तू योग्य हो जाएगा तब मैं कहूंगा, अभी तू पहले पढ़ाई कर पूरी, पहले युद्ध विद्या में पारंगत हो, होशियार बन, फिर लड़ना। अब गुरुजी कह रहे लड़ो मत, और अम्मा कह रही बदला ले। अब वो क्या कह रहे जीवंदर, तो जीवंदर ने अम्मा जी से क्या कहा, अरे तू क्या समझती है, मैं ऐसा कर दूंगा, मैं ऐसा कर दूंगा, मैं ऐसा कर दूंगा। बहुत अपनी प्रशंसा वहां की, तो वहां ये नीति लिखी उनने कि मुग्धेषु माने उसकी माँ, इसलिए मैं कह रहा मूर्ख नहीं कह सकता मैं, माने भोले भाले, जो भोले भाले जीव हैं उनके सामने जो अत्यंत चतुर लोग हैं उनको अपनी प्रशंसा करनी चाहिए, नहीं तो उन्हें हिम्मत नहीं बनती है। भले ही वो अभी लड़ेगा नहीं, लड़ेगा तब जब गुरुजी कहेंगे तब,
लेकिन फिर भी कहता है तुम चिंता मत कर, मैं बदला लूंगा। ये कहना चाहिए कि मैं बदला लूंगा, और किसी माँ को ऐसा समझाना चाहिए। अब क्या करें, मुग्धेश हूँ, ना समझे, कह रही है माँ, कह रही है बदला ले बेटा, बदला ले बेटा। तो कहते हैं उसने अपना जो प्रशंसा की वो यहाँ गलत नहीं है। सब लोग हिम्मत हार रहे हो, हाय राम अब क्या होगा, हाय राम अब क्या होगा, तो ऐसे में कोई एक आदमी आता, कैसे क्या होगा, कुछ नहीं होगा, कोई घबराने की जरूरत, हम खड़े हैं ना। अम्बेचंदाचार्य ऐसा बोल रहे हैं कि हम खड़े हैं ना, क्यों घबराते हो। मुग्धेषु अति विदग्धानां युक्तम ही आत्म कीर्तनम, ना समझो मैं, क्यों जो चतुर लोग हैं उन्हें अपनी प्रशंसा करना चाहिए, नहीं तो हिम्मत नहीं बनती, सबकी हिम्मत टूट जाएगी तो क्या होगा, क्यों सबकी हिम्मत टूट जाएगी कि सब क्या करें, सारी समाज तो हमारे विरोध में होगी, अब हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे, कैसे नहीं करेंगे, हम सब करेंगे, सब हो जाएगा, चिंता मत करो, मैं सब करूंगा। अब आप क्या करोगे, 84 बरस के हो गए, कैसे नहीं करेंगे, क्यों, समझ में आया ना, क्या है बोलो, मुग्धेषु पूरा बोलो, छंद किसको याद हो गया, खड़े हो जल्दी बोलो, मुग्धेषु अति विदग्धानां युक्तम ही आत्म कीर्तनम, अर्थ बोलो इसका, बोलो तो तुम खड़े हो पहलवान। वो उपयुक्त है, वो अनीति नहीं है, वो नीति है, वो ऐसा कहते हैं। तो वो कहते हैं कि ये जो अमृतचंदाचार्य ने ये कहा उनका ये कथन युक्त है, क्यों, क्योंकि नहीं तो फिर कोई हिम्मत ही नहीं करेगा। अब जब तुम कहोगे कि महाराज हमें दीक्षा दे दो, तो फिर वे कहेंगे तुम्हें तत्व आता है कि नहीं, सर्वज्ञता का स्वरूप आता है कि नहीं, कि क्या होती है सर्वज्ञता, कि पहले पढ़ो फिर दे देंगे, फिर वो पूरी शर्तें लगाएंगे। ऐसा नहीं कि चढ़ जा बेटा सूली पे, भला करे भगवान के बाद में सीख लेना। कैसा आप घर पे तो समय मिलता नहीं है धंधे पानी में, हम पहले तो हम तो साधु हो जाएंगे, फिर साधु में तो समय ही समय है, तो फिर पढ़ लेंगे, ऐसा नहीं चले। पहले पढ़ के तत्व का निर्णय करो और बाद में फिर बात आएगी। तो ये सारी बातें अभी अपन ये चरणानी सूचक चूलका में करने वाले हैं, उसकी भूमिका मैंने आपको थोड़ी सी बताई।